So today we'll be doing the orbital structure of benzene. So for the orbital structure of benzene, as I told you yesterday also, agar hum iska structure visualize kare to kuch aisa hai, where the each carbon atom, it is actually involved with two other carbon atoms with a single bond. ओके ये कार्बन जो है वो दूसरे दो कार्बन के साथ कैसे इन्वॉल्व है सिंगल बॉन्ड में और एक हाइड्रोजन जो है दैट इज देयर. ओके सो इफ आई विजुलाइज द स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्बिटल वन तो हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में हम कैसे स्ट्रक्चर को देखेंगे इट विल बी हैविंग द ऑर्बिटल डायग्राम्स लाइक दिस. ठीक है तो ये मैंने एक कार्बन का बनाया है. सिमिलरली द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फॉर द अदर कार्बन विल बी ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे हम. सो फॉर द सेकेंड वन लाइक दिस. ठीक है तो सेकेंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा. तो ये दो हमने बना लिए हैं. नाउ वी विल बी मूविंग टू द थर्ड वन. अब इस कार्बन पे आते हैं. अगेन दिस कार्बन इट कैन बी विजुलाइज लाइक दिस. तो इस कार्बन का कुछ ऐसा बनेगा. कमिंग टू द फोर्थ कार्बन नाउ. द स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस फॉर द फोर्थ वन. फॉर द फिफ्थ वन द स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस. तो वन टू थ्री फोर और फाइव बन गए. अब हमने लास्ट बनाना है एक सिक्स. So this is about the sigma bond formation here for the six carbon atoms. So ये सारे जो हैं जो third bonded है ठीक है third orbital जो है वो hydrogen के साथ. So in this case you can see all the carbon atom they are bonded to the two other carbon atoms. ये वाला देखो ठीक है this carbon atom is bonded to this one and this one. Similarly this ठीक है तो सब में जो है वो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं. सो द सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स दे कैन बी विजुलाइज लाइक दिस. सो हेयर द सिक्स कार्बन दे विल बी इन्वॉल्विंग लाइक दिस एंड ईच कार्बन विल बी हैविंग अ वेकेंट पी ऑर्बिटल दैट आई एम शोइंग हेयर लाइक दिस. तो ये जो है वो मैंने हमेशा सारे कार्बन के लिए क्या शो किया है वेकेंट पी ऑर्बिटल्स. Because carbon is tetravalent, it has formed three bonds. तो तीन bonds सबने बनाए हैं और एक जो bond है वो खाली है अभी भी. And in all these p orbitals, they are having one one electron. ठीक है तो इन सारे p electrons में एक एक electron है अभी भी. That is left. Okay? Right? We can visualize the structure like this. So this is about the sigma bond formation in case of the benzene. So ये आपको sigma bond formation बताई है. Now coming to the pi bond formation. If we see the pi bonded structures for the benzene, तो pi bond में क्या होगा बेटा? यही structure लेते हैं हम. ठीक है? Same structure I am going to take. Now for the pi bond formation. ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है दे विल बी ओवरलैपिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड. ओके राइट सो ओवरलैपिंग ऐसे हो सकती है ओवरलैपिंग नीचे से भी हो सकती है नीचे वाले ऑर्बिटल से भी हो सकती है. तो दोनों केसेस में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं. ओके वी आर एज्यूमिंग दैट द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द ओवरलैपिंग इज फ्रॉम द बोथ साइड ऊपर नीचे दोनों से होगी. ओके ये जो ओवरलैपिंग होगी ऐसे होगी राइट. इनिशियली इफ आई एम सपोजिंग कि ये दोनों जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी विजुलाइज लाइक दिस. ठीक है ऐसे ओवरलैपिंग जो है हम विजुलाइज कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द रेस्ट टू स्ट्रक्चर्स. सिमिलरली फॉर द रेस्ट टू स्ट्रक्चर्स वी कैन विजुलाइज दिस ओवरलैपिंग लाइक दिस. ये इसके साथ ओवरलैप कर गया और ये इसके साथ ओवरलैप कर गया. दिस इज द वन कंडीशन. ठीक है ये वन सिचुएशन है.
सिमिलरली द ओवरलैपिंग कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो है वो आमने सामने हैं इसीलिए ओवरलैप करें, ये ऐसे भी तो ओवरलैप कर सकते हैं. ओवरलैपिंग कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. हाँ जी बेटा, राइट. सो इन ऑल दीज केसेस हाइड्रोजन आर स्टिल देयर, तो मैंने यहाँ पे शो नहीं किए हैं जैसे वहां पे बनाए हुए हैं. सो इन बोथ द केसेस व्हाट वी हैव सीन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, द ओवरलैपिंग फैक्टर इट कैन बी इन बोथ द केसेस इट कैन बी समड अप लाइक दिस. एक ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो सकती है एंड द सेकेंड वे टू रिप्रेजेंट द ओवरलैपिंग कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, जहां पर ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं. ओके, सो कैन यू सी दैट दिस पाई बॉन्ड इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द वन और टू कार्बन एटम बट दैट इज एक्चुअली डीलोकलाइज्ड ऑन ऑल द कार्बन एटम. Now, what is the meaning of delocalization? Localized का मतलब क्या होता है? You know where the thing is present. That should be at a certain position. ठीक है? When you are actually sure about the position of that substance, that is known as localized position. But यहाँ पर जो आपका pi electron इन दोनों cases में बना है, this pi electron it is delocalized. That means they are spread out. Spread हुए हुए हैं पूरे के पूरे छे के छे कार्बन एटम्स के ऊपर. As it is, they are not actually singly present on the one or two carbon atom, as in the case of ethene. तो अगर आप इथीन का स्ट्रक्चर देखो, उसमें जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are more exposed to the space coordinates as compared to these carbon atoms. Okay, but here what we are saying that here the pi electron they are not actually confined to one such area or one such plane, but they are actually delocalized over all the six carbon atoms. ठीक है? अब यहाँ पर ये बात होती है कि जब आपकी charge density localized हो जाए, एक जगह पर accommodate हो जाए, तो attack करना या किसी के ऊपर attack करवाना बहुत easy हो जाता है. Okay? When your charge density is localized, in that case the attack is very very easy. But whenever there is delocalization of the electrons, pi bond जो है वो यहाँ पर delocalized है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका pi bond है वो spread out हुआ हुआ है. That is not confined to one single atom or one single plane. That is equally spread on all the six hydrogens, six carbons. Okay? So this structure can be visualized. तो यहां पर मैं क्या कह रही हूं कि ये जो मेरी बेंजीन रिंग है इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज स्प्रेड आउट लाइक दिस ऑन ऑल द सिक्स कार्बन एटम्स. सो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड द चार्ज डेंसिटी इज डीलोकलाइज्ड. ओके, एंड दिस मेक्स द बेंजीन मॉलिक्यूल स्टेबल. ये बेंजीन को क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है. एज आई टोल्ड यू कि चार्ज डेंसिटी जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, एक जगह पर नहीं इकट्ठी है, जिसके कारण ये इजीली अटैक नहीं हो पाता है इसके ऊपर. ओके, सो अगर कोई चीज लोकलाइज्ड होती है द अटैक इज वेरी वेरी इजी, बट हेयर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इट मेक द बेंजीन रिंग मोर स्टेबल फॉर द अटैक. Okay, so that's why the benzene ring is having a more stable structure of this pi bond density. So here the density, this pi bond density in the benzene, it can be shown like this also, where we are showing ki ye jo pi bond hai ye sabke upar kya hai, delocalized hai. Okay, or you can show this as like this also. आप ऐसे भी शो कर दोगे, इसका मतलब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स ही शो कर रहे हो बेंजीन रिंग के ऊपर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एरोमेटिसिटी.
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपके 1-1, 2-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. वेदर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन होंगे, आपने प्रेडिक्ट करना है कि वो एरोमेटिक हैं कि नहीं है. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. नाउ एनी कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एरोमेटिक, फॉर दैट देयर आर सम कंडीशंस दैट द कंपाउंड हैज टू फुलफिल. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन बनती है कि जो कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एंड इट शुड बी हैविंग द ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. The cyclic structures should be preferred, which will be having the alternate single and double bonds. Okay. Now the second thing, that compounds they should be behaving like the saturated system. मतलब आपको मैंने अभी बताया है कि वो जो double bond है वो benzene ring को stable बना रहा है. Okay, that is actually not involved in any of the bond formation or in any of the reaction. Okay. अब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पाई बॉन्ड्स जो हैं वो हमने निकाल दिए, तो बच्चे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड बच्चे हैं. सो दैट मींस दे दीज कंपाउंड्स शुड बी बिहेविंग लाइक अ सैचुरेटेड सिस्टम. ओके, तो सैचुरेटेड सिस्टम्स जो हैं वो क्या अंडरगो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन. सो दीज कंपाउंड्स दे शुड बी अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन भी हमने कौन सी प्रेफर करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. And they should be resisting addition, which are more common in case of the unsaturation compound. ठीक है, तो जो आपके unsaturated double या triple bonded structures होते हैं वो आपको पता है कि that undergo addition. Double bond में आप add करते हो, triple bond में चीजें add करते हो ना, groups. Okay, so here it should be undergoing or it should be behaving like the saturated system one. Okay, and it should resist the unsaturated system properties. The third one, the third property is that they must show the resonance phenomena, जो आप पढ़ के आए हुए हो already. Okay, so resonance phenomena it should be shown by the system or the compound. The most important thing, fourth point, very very important. If the system is said to be aromatic only if it obeys Huckel rule. तो आपका सिस्टम तभी aromatic कहा जाएगा जब ये fourth condition जो है वो obey करेगा. Otherwise ये सारी की सारी अगर पहली तीन conditions obey कर रहा है, still that system will not called be aromatic. तो वो anti-aromatic में चला जाता है, तभी भी हम उसको aromatic नहीं कहते हैं अगर वो fourth rule जो है वो follow नहीं कर रहा है. That is the Huckel's rule of aromaticity. ओके, एंड व्हाट दिस हक्कर रूल स्टेट्स, कि कोई भी आपका साइक्लिक कंपाउंड है इट शुड बी हैविंग हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर, वेयर n इट कैन वेरी फ्रॉम 1, 2, 3, 4. ओके, तो कुछ भी हो सकता है 0 से, राइट. दिस इज द हक्कर रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट obeying this rule of Huckel's rule, then that will not be called as aromatic. तो हम उसको anti-aromatic कहते हैं अगर वो पहली तीन conditions obey कर रहा है, right? Now what is this Huckel rule? See, let's take the example of benzene. Simplest example है जो हमने start की है. What you have to do is you have to calculate the pi electrons here. See, one bond is formed by the two electrons. One bond is formed by two electrons. One bond is formed by two electrons. How many pi bonds? 3 pi bonds and corresponding 6 electrons. If I substitute the value n here as 1, then 4 × 1+2 pi electrons. That means it is going to give us 6 pi electrons. Okay. So the formula it matches with the Huckel rule. जो pi electrons हैं वो Huckel rule के formula के साथ match कर गए हैं, 6 pi हैं. Okay, so then that means benzene is aromatic in nature. Benzene क्या हो गई है, aromatic हो गई है. Now this is for the benzene. Let's find out some of the other aromatic compounds. हाँ जी बेटा.
ये बताइए इट विल बी एरोमेटिक और नॉट. यू सिंपली हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मल्टीप्लाई इट विद टू एंड सी इफ दैट इज इन द हक्कल्स रूल और नॉट. हाँ जी, एनीवन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. बोलिए बेटा, यस नो, इफ इट इज ऑबेइंग द हक्कल रूल इट इज एरोमेटिक और नॉट. नो वन? यस इट इज एरोमेटिक. यस रमनजीत. सो वन पाई बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स. So how many pi electrons? You can see they are 10. So 10 में जब आप इसको 2 put करोगे, 4 2 जा 8, 8 plus 2, 10. So that means this is aromatic. That is aromatic. Benzene भी aromatic है. ये naphthalene भी जो है वो aromatic है. Similarly, if I take the example of anthracene. अब मैंने anthracene की example ले ली है. तो 10 में हमने और कितने ऐड कर देने हैं? 4 और ऐड कर देने हैं. ओके, वी विल बी एडिंग 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. अब 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14. अगेन दैट विल बी एरोमेटिक. तो जो तीन वाली है ये अब मैंने आपकी एंथ्रासीन बनाई है. ओके, कल हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था. तो नेफ्थलीन तीन बेंजीन रिंग्स है, तो दैट विल बी एंथ्रासीन. Now, some other derivatives or some other compounds that are actually aromatic और कौन कौन से हो सकते हैं? Let's take the example of pyridine. So, pyridine is actually a compound that is formed where one nitrogen is attached in the ring. ठीक है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन जो है वो रिंग में अटैच होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन. नाउ प्लीज टेल इफ इट इज एरोमेटिक और नॉट. हाँ जी बेटा, इफ इट इज एरोमेटिक और नॉट. एरोमेटिक और नॉट? अंजलि, इश्नूर, मिताली, सहज, बेटा बोला करो क्लास में. सी दीज आर ऑल्सो द पाई इलेक्ट्रॉन्स हेयर दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द रिंग. तो ये रिंग के अंदर है, दैट मीन्स दे आर लोकलाइज्ड नाउ इन दिस केस. दे कैन पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, इजिली ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, सो देन दैट मीन्स दे आर एक्चुअली नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pi electrons. Will they obey Huckel's rule? 4n plus 2 pi rule. So jab aap yahan par n ko 1 put karoge, you will be getting 8 pi electrons. So yes, they obey Huckel's rule. In the similar way, we can take the example of thiophene. So this is the structure of thiophene. अगेन बोलिए बेटा, इफ इट इज एरोमेटिक और नॉट. प्लीज टेल इफ इट इज एरोमेटिक और नॉट. सॉरी फॉर द पिरिडीन, मैंने आपने बोला ही नहीं, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं. That is not actually obeying Huckel rule. 6 पे Huckel rule है. They are actually here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the structure of pyridine. So 6 pi electrons हैं that were not actually involved in the bond formation. Thiophene में बताओ अब. Thiophene में वो case है जो मैंने यहाँ पर discuss किया था आपके साथ. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 pi electrons हैं where the N is one here. Okay, so that is also aromatic. चलो अब next बताओ.
हाँ जी बेटा, इसकी एग्जांपल बताओ वेदर दिस इज एरोमेटिक और नॉट। यस दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। ओके दैट ऑल्सो सेटिस्फाई द हकल्स रूल। सो इन दिस केस वी हैव डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट एक्चुअली शो द एरोमेटिक कैरेक्टर, राइट। अब नेक्स्ट में एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। लेट्स फाइंड आउट वेदर दिस इज एरोमेटिक और नॉट। हाँ जी बोलिए बेटा। यस अंजलि, अनम्यूट योरसेल्फ अंजलि। यस मैम। बेटा इट इज एरोमेटिक और नॉट? नो मैम, एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है बेटा अंजलि? यस व्हाई इट इज नॉट एरोमेटिक? बिकॉज ये साइक्लिक तो है, दैट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस भी पॉसिबल है इसमें। ये अपना ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है। कौन सी कंडीशन इसने नहीं सेटिस्फाई की है? साइक्लिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी अंडरगो करेगा। एरोमेटिक है। एरोमेटिक कैसे एरोमेटिक है? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? बेटा आपने सिर्फ ये काउंट करना है, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। देखो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास किसी तरह। आर यू गेटिंग 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हेयर इन दिस फॉर्मूला? यस वी आर गेटिंग when we are substituting n0, so n0 that is going to give you 2 pi electrons, okay? So that is also aromatic in nature. Similarly, the example can be, हाँ जी ये बताओ बेटा, इज दिस एरोमेटिक और नॉट? रमन, इज दिस एरोमेटिक और नॉट? मैम नो। व्हाई? मैम क्योंकि हकल रूल नहीं ऑब्वे कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं यहाँ पे? मैम 4। कैसे 4? नेगेटिव चार्ज भी तो है मैम, पर उसके पता नहीं ना अंदर है कि बाहर है। बेटा वो नेगेटिव चार्ज दैट मींस लोकलाइज्ड हेयर। लोन पेयर जो हैं वो आपने देखे हैं दैट दे आर इन्वॉल्वड और नॉट। नेगेटिव चार्ज है तो दैट मींस वो रिंग के ऊपर ही है चार्ज। मैम फिर हो जाएगा, फिर 6 हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम। ओके व्हेनेवर देयर आर लोन पेयर्स तो फिर वो आपने देखने हैं वो बॉन्डिंग में है कि नहीं, बट ये तो रिंग का ही चार्ज है, ठीक है? दैट इज द चार्ज ऑन द रिंग, तो दैट मींस दैट इज इन्वॉल्वड, ऑलरेडी इन्वॉल्वड है तभी रिंग के ऊपर चार्ज आया है। ओके चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन नाउ, वेदर दिस इज एरोमेटिक और नॉट। हाँ जी मिताली। यस मिताली। नो मैम। Why? That is not aromatic. Why? Ma'am, because ये 4 pi electrons आ रहे हैं इसमें और वो हकल ओबे नहीं करेगा। हकल रूल ओबे नहीं कर रहा है, बट बाकी सारी conditions तो ओबे कर रहा है। साइक्लिक है, इट कैन अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंटी एरोमेटिक। हाँ दैट कैन बी एंटी एरोमेटिक। ओके सो दे आर एंटी एरोमेटिक। राइट
ओके सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन हाँ जी अब इसका बताओ फॉर दिस वन दैट इज साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन ठीक है ये जो मैंने बनाया है दिस इज साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन सिमिलरली हेयर आई हैव मेड साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने केटायन बनाया हाँ जी हु विल टेल बेटा यस दिवनूर बोलो बेटा मैम इट्स एरोमेटिक इट इज एरोमेटिक हाउ हाउ इट इज एरोमेटिक दिवनूर मैम थ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रेजेंट है ऑड तो हमने पढ़े नहीं अभी तक थ्री पाई कैसे हो जाएंगे हम 2, 4, 6 की बात कर रहे हैं थ्री की तो हमने कहीं पर भी बात नहीं की ये आपने 2 काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं एंड दैट इज शोइंग द एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हक्कल रूल नहीं ओबे कर रहा है बट बाकी सारी चीजें ओबे हो रही हैं नाउ सी हाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी अंडरगोइंग द रेजोनेंस तो हमने ये बॉन्ड शिफ्ट कर देना है यहाँ पर एंड दिस विल बी शिफ्टेड हेयर ओके सो दिस इज हाउ दिस विल अंडरगो द रेजोनेंस अब ये बॉन्ड जब आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में कर दिया है शिफ्ट सो यू विल बी गेटिंग लाइक दिस ओके नाउ हेयर दिस चार्ज डेंसिटी विल बी मूव ऑन दिस पोजीशन एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल बी मूव लाइक दिस तो अगेन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ओके सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अंडरगोइंग द रेजोनेंस रेजोनेंस भी हो रहा है साइक्लिक भी है ओके बट इट इज नॉट ओबेइंग द हक्कल रूल सो दिस इज एंटी एरोमेटिक ओके अगर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं ओके देन दैट वी कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक बट हेयर द रेजोनेंस फैक्टर इज देयर अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं कैन यू सी द ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है आपको द नेगेटिव चार्ज हेयर इज एक्चुअली शोइंग दैट डबल बॉन्ड कैरेक्टर हेयर ठीक है तो डबल सिंगल ये डबल है यहां पर ये दिस बॉन्ड इट विल बी शोइंग द डबल बॉन्ड कैरेक्टर ओके चलिए नेक्स्ट सिमिलरली फॉर दिस इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस केटायन अगेन यू हैव टू शो वेदर दिस इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हाँ जी बेटा रेजोनेंस फैक्टर शो हो रहा है कि नहीं इसमें पहले ये बताओ यस द रेजोनेंस विल बी शोन हेयर यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो मैं आगे शिफ्ट कर दूंगी ओके सो व्हेन दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड लाइक दिस जब मैंने ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अब इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड आ गया बट ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ओके नाउ एफिशिएंसी गोज टुवर्ड्स डेफिशिएंसी जो मैं आपको पहले भी बताती हूँ ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे जाएगा ठीक है उस कार्बन के पास सो व्हाट वी विल गेट नाउ हेयर द बॉन्ड विल बी देयर ठीक है अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी जो है राइट सिमिलरली अब ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा सो व्हाट यू विल गेट हेयर द बॉन्ड विल बी देयर एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी हेयर देखो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में जब आ जाएगा ठीक है तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में आ गया अब इसके बीच में भी बॉन्ड आ गया तो ये तो खाली रह गया ना इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बनाया है आपका ओके नाउ द लास्ट वे कैन बी जब मैं इसको यहाँ पर मूव कर रही हूँ ओके सो लाइक दिस नाउ वी विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप ऑफ दिस पोजीशन और ऑल्टरनेटिवली अगर मैंने इसका हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन बी शोन लाइक दिस वेयर आई विल बी मेकिंग पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कि इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है ओके
राइट बेटा, एनी डाउट? सो दीज आर द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड.